टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ डायाफ्राम या डेवलपमेंट ऑफ डायाफ्राम। तो डायाफ्राम की डेवलपमेंट चार जगहों से होती है, फिर चार चीज़ों से होती है। पहला होगा मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम लैटरल बॉडी वॉल, दूसरा सेप्टम ट्रांसवर्सम, तीसरा होगा प्लूरो पेरिटोनियल फोल्ड और मेम्ब्रेन, चौथा होगा डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस। अब डायाफ्राम है क्या? डायाफ्राम एक डोम शेप मस्कुलो टेंडिनियस, मतलब इसके मसल फाइबर भी होगा और इसके एक सेंट्रल टेंडन भी होगा। एक पार्टीशन होती है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। चार चीजों से डेवलप करता है डायाफ्राम: सेप्टम ट्रांसवर्सम, प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस और मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम लैटरल बॉडी वॉल। बीडी के मुताबिक जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ये बनाएगा सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम। इसके साथ साथ सेप्टम ट्रांसवर्सम दो चीज़ें और बनाएगा, वो दो चीज़ें कौन सी होगी? एक होगा कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लीवर और तीसरी चीज़ होगी वेंट्रल मेसेंट्री। तो आपने इसको रट्टा मारने के सेप्टम ट्रांसवर्सम तीन चीज़ें बनाते हैं: सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम, वेंट्रल मेसेंट्री और कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लीवर। दूसरा है प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, इसने बनाना है डॉर्सल अनपेयर्ड पोर्शन। मैं आपको दिखाता हूँ इस डायग्राम से, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये डॉर्सल पोर्शन है, ये वेंट्रल पोर्शन है। डॉर्सल वाला भी इसने बनाना है, डॉर्सल पेयर्ड पोर्शन बनाना है, क्योंकि आपको ये दो नजर आ रही है, एक और दो। तो डॉर्सल पेयर्ड पोर्शन किसकी वजह से बनना है? प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की वजह से। तो डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस इसने क्या बनाना है? डॉर्सल अनपेयर्ड पोर्शन। तो जो डॉर्सल अनपेयर्ड पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या बना, किसने बनाना है? मेसेंट्री या फिर डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस। लास्ट है मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम लैटरल बॉडी वॉल, इसने क्या बनाना है? इसने बनाना है सर्कमफेरेंशियल पोर्शन। तो आपको नजर आता है सर्कमफेरेंशियल पोर्शन, ये वाला। तो फिर अगर मैं ये बात करूँ तो सर्कमफेरेंशियल पोर्शन जो डायाफ्राम का, वो किससे बनेगा? मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम लैटरल बॉडी वॉल। इसका जो सेंट्रल टेंडन है, ये किसकी वजह से बनेगा? सेंट्रल ट्रांसवर्सम की वजह से। और जो इसका प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, वो इसका डॉर्सल अनपेयर्ड पोर्शन बनाएगी, जबकि इसोफेगस की मेसेंट्री है वो डॉर्सल पेयर्ड पोर्शन बनाएगी। ये तो कहा था बीडी के मुताबिक, लेकिन अगर लैंगमैन को अगर फॉलो करें, फिर लैंगमैन क्या कहते हैं? लैंगमैन ये कहेगी कि दो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर बनाते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम। क्या बनाते हैं? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम बनाते हैं। इसके साथ साथ ये कनेक्टिव टिश्यू स्कैफोल्ड प्रोवाइड करते हैं। किसको क्या प्रोवाइड करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू स्कैफोल्ड, यानी ये प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या बना दिया? सेंट्रल टेंडन। उसके साथ साथ इनके पेरिफेरी पर जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी इनकी वजह से बनते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू जो पेरिफेरी के ऊपर बनते हैं, ये स्कैफोल्ड प्रोवाइड करते हैं और ये गाइडेंस क्यूज प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? माइग्रेटिंग मसल सेल्स के लिए, कि वो कहते हैं कि मसल सेल्स आप यहाँ पे आ जाओ। तो जो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और सेप्टम ट्रांसवर्सम ने क्या बना दिया? सेंट्रल टेंडन, इसके साथ कनेक्टिव टिश्यू इन देयर पेरिफेरी। कनेक्टेड टिश्यू इन देयर पेरिफेरी क्या करेगा? स्कैफोल्ड प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा गाइडेंस क्यूज प्रोवाइड करेगी माइग्रेटिंग मसल सेल के लिए। दूसरा बताता है वो डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस ने क्या बनाना है? क्रूरा बनाना है, डायाफ्राम की क्रूरा। और इसके अलावा जो मस्कुलर कंपोनेंट्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? सोमाइट एट सर्वाइकल लेवल 3, 4, 5, C3, C4, C5। और चूंकि डायाफ्राम की डेवलपमेंट स्टार्टिंग C3, C4, C5 से होती है, उसके अलावा जो मसल सेल जो डायाफ्राम को सप्लाई करते हैं, इनर्वेट करते हैं, वो भी इसी सेगमेंट से आती है। तो फ्रेनिक नर्व भी इन्हीं सेम सेगमेंट से आएगी। तो दोबारा से बता देता हूँ कि डायाफ्राम को नर्व सप्लाई करने वाली फ्रेनिक नर्व भी क्यों है, तो किन सेगमेंट से निकलती है? क्योंकि डायाफ्राम की डेवलपमेंट ही स्टार्ट होती है C3, C4, C5 सेगमेंट से, और जो मसल होते हैं वो भी इसी सोमाइट से राइज करते हैं। जो मसल होते हैं डायफ्राम के, वो भी इन्हीं सोमाइट से राइज करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रेनिक नर्व है, उसकी रूट वैल्यू भी C3, C4, C5 होगी, यानी C3, C4, C5 कीप्स डायफ्राम अलाइव। तो ये तो हो जाएगा डायफ्राम की डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं वन बाय वन हर एरिया की। पहली बात करते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम की। सेप्टम ट्रांसवर्सम होता क्या है? सेप्टम ट्रांसवर्सम एक थिक प्लेट होती है मेसोडर्म की, यानी मेसोडर्मल कोर होता है। ये किसको ऑक्यूपाई करता है? किस स्पेस को? थोरेसिक कैविटी को और स्टाक ऑफ योक सैक को। कौन सी कैविटी को ऑक्यूपाई करता है? थोरेसिक कैविटी को और स्टाक ऑफ योक सैक को। मैं आपको इस डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो ये आपको नजर आ रहा होगा सेप्टम ट्रांसवर्सम। ये सेप्टम ट्रांसवर्सम, सेप्टम ट्रांसवर्सम से ऊपर जो कैविटी होगी उसे बोलेंगे थोरेसिक कैविटी, या फिर पेरिकार्डियल कैविटी जो से नीचे होगी उसको बोलेंगे एब्डोमिनल या पेरिटोनियल कैविटी। तो ये स्टाक ऑफ योक सैक के दरमियान, यानी यहाँ पर स्टाक ऑफ योक सैक देखने को मिलता है और यहाँ पर ऊपर पेरिकार्डियल कैविटी या हार्ट, तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में होता है। और ये सेप्टम निकलता कहाँ से है? ठीक हो गया, चूंकि ये सेप्टम की नेचर है मेसोडर्म है, तो ये निकलेगा भी मेसोडर्म से, स्पेसिफिकली वो मेसोडर्म या विस्तरल मेसोडर्म जो हार्ट को सराउंड कर रही है। सपोज ये हार्ट है, तो हार्ट को जो मेसोडर्म सराउंड कर रही होगी, जिसको बोलेंगे विस्तरल मेसोडर्म या सबलैक्टिक मेसोडर्म, उससे ही ये क्या कौन अराइज करेगा? सेप्टम ट्रांसवर्सम। और राइज करने के बाद ये किन के दरमियान पार्टीशन बनाएगा? थोरेसिक कैविटी में या एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक हो गया, यानी ये वही काम कर रहा है एम्ब्रियो में जो अडल्ट में डायाफ्राम करता होता है, यानी ये भी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह सेपरेट नहीं करता, बल्कि ये दो ओपनिंग छोड़ देता है। उन दो ओपनिंग को बोलते हैं हम प्लूरो, क्या बोलते हैं? प्लूरो पेरिकार्डियल किनाल। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे दो ओपनिंग, उसको बोलते हैं प्लूरो पेरिकार्डियल किनाल।
सॉरी प्लूरो पेरिकार्डियल नहीं बल्कि पेरिकार्डियो पेरिटोनियल, क्योंकि ऊपर पेरिकार्डियल कैविटी है और नीचे पेरिटोनियल कैविटी है, तो फिर पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनार तो आपको नजर आ रहा होगा, ये दरमियान में सेप्टम ट्रांसवर्सम है, ये आपको नजर आ रहा होगा साइनस विनोसस, इन दोनों के लैटरली आपको नजर आ रहा होगा ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल, ये ओपनिंग होती है जो थोरेसिक कैविटी को किससे जोड़ के एब्डोमिनल कैविटी से, बाकी एरिया को सेपरेट करने वाला सेप्टम ट्रांसवर्सम। जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल बन गई थी जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ रही थी, उसमें कौन एक्सपेंड करेगा, लंग्स, लंग्स के ब्लड इसके अंदर ग्रो करेंगे और इसको वाइडन कर देंगे, इसको तो हम बाद में देख लेंगे। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फोल्ड्स भी बनते हैं, उनको बोलते हैं प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड्स। कौन से फोल्ड्स हैं, यानी थोरेसिक कैविटी को प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी में भी तो सेपरेट करना है, तो फिर सेपरेट करने के लिए जो फोल्ड बनते हैं उसको बोलते हैं प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड, ये बनते हैं प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड। प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड मिलकर क्या बनाते हैं, प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इस प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपने याद रखना है कॉमन कार्डिनल वेन और फ्रेनिक नर्व। फिर ये प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन किसके अंदर डेवलप कर जाएगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर, इसके अंदर फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर, और जो कॉमन कार्डिनल वेन थी स्पेसिफिकली राइट साइड की वो डेवलप कर जाएगी सुपीरियर वेना कैवा में, ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, और कौन सा पार्ट था, एक यहाँ पर जो डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस, ये भी सेप्टम ट्रांसवर्सम से और प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगी और डायफ्राम का मीडियन पोर्शन बनाएगी, यानी क्रूरा बनाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद है मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम लैटरल बॉडी वॉल, ये 9th से लेकर 12th वीक में होगा। इसमें ये होगा कि जब लंग्स की और प्लूरल कैविटी की काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाती है लैटरल बॉडी वॉल में, तो वो बॉडी वॉल की स्प्लिटिंग होती है दो लेयर्स में, एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर। मैं आपको दिखाता हूँ ये स्प्लिटिंग किस तरह हो रही है, तो आप इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में ये वाला पार्ट किससे बना हुआ, प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से, ठीक हो गया। और ये वाला पार्ट कहाँ से आया, मस्कुलर इनग्रोथ फ्रॉम लैटरल बॉडी वॉल, तो इसने इसको दो में डिवाइड कर दिया, एक वो पार्ट जो बाहर होगा, बाहर वाली लेयर क्या बनाएगी, एब्डोमन की वॉल, जो अंदर वाली होगी वो क्या बनाएगी, डायफ्राम का सर्कमफेरेंशियल पोर्शन, यानी यह वो पोर्शन होगा जो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और सेप्टम ट्रांसवर्सम वाले पोर्शन से बाहर पड़ा हुआ होगा। तो एक्सटर्नल लेयर डेफिनेटिव एब्डोमिनल वॉल, उसका इंटरनल लेयर होगी वो क्या बनाएगी, डायफ्राम का पेरिफेरल पार्ट, वो पार्ट जो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से बाहर पड़ा है, ठीक हो गया। इसके बाद मजीद क्या होगा, जो प्लूरल कैविटी मजीद एक्सटेंड करेगी लैटरल बॉडी वॉल में, तो क्या बनाएगा, कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेसिस। देखना ये लंग्स है, लंग्स नजर आ रहा होगा, लंग्स जिस कैविटी में होगा उसको बोलेगा प्लूरल कैविटी, हार्ट जिसमें होगा उसको बोलेगा पेरिकार्डियल कैविटी। जो प्लूरल कैविटी है वो लैटरल बॉडी वॉल के अंदर इनग्रेस हो रही है, ठीक हो गया, इन्वेजिनेट करिए, इन्वेजिनेट करने के बाद क्या बनती है, कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेसिस। कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेसिस डायफ्राम की, सॉरी लंग्स की एक्सपेंशन कराती होती है, ठीक हो गया, और जिसकी वजह से डायफ्राम की डोम शेप अपीयरेंस क्रिएट हो जाएगी। अब है पोजिशनल चेंजेस एंड इनर्वेशन ऑफ डायफ्राम, हमने आपको पहले बताया था डायफ्राम की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है C3, C4, C5 सोमाइट से, उसके जो मसल टिश्यू होते हैं वो भी इसी सोमाइट से आते हैं, जिसकी वजह से इसको जो नर्व सप्लाई करती है उसका सेगमेंट भी C3, C4, C5 होता है, ठीक हो गया। तो फ्रेनिक नर्व डायफ्राम की मोटर इनर्वेशन करती है, कहाँ से निकलती है, वेंट्रल फैमिली रिमाइ और 3, 4, 5 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, यानी सर्वाइकल प्लेक्सिस से, डायफ्राम की सुपीरियर इंफीरियर सर्फिस को सप्लाई करती है। इसके साथ इसका सेंटर वाले पार्ट की सेंसरी सप्लाई भी, लेकिन जो पेरिफेरल पार्ट की सेंसरी सप्लाई है वो आती होती है कहाँ से, वो आती है इंटरकोस्टल से, क्योंकि ये पार्ट बॉडी वॉल से आया है और बॉडी वॉल को सप्लाई करने वाली नर्व होती है इंटरकोस्टल नर्व। अब डिफरेंशियल ग्रोथ किस तरह से होगी, डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी है एम्ब्रियो का, जिससे ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम होगा, उनकी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है वेंट्रल बॉडी वॉल से, जिसकी वजह से डायफ्राम कहाँ पे आ जाएगा, थोरेसिक सोमाइट में, क्योंकि डायफ्राम ने तो असल में थोरेस और एब्डोमेन के जंक्शन पे जाना है, तो असल में जो एम्ब्रियो की डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी है उसकी ग्रोथ रिलेटिवली फास्ट होगी। तो आप इस डायग्राम में देखिएगा, ये है एम्ब्रियो की बॉडी का डोर्सल पोर्शन, ये वेंट्रल पोर्शन, डोर्सल पोर्शन की ज़्यादा ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ये ज़्यादा कर्व हो जाता है, ठीक हो गया। इस पोर्शन की वजह से जो डायफ्राम है जो कि थोरेसिक कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी या सॉरी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा है वो नीचे जाता रहेगा, नीचे फाइनली ये थोरेक्स में और एब्डोमिन के जंक्शन पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इनिशियली डायफ्राम T3 सोमाइट के लेवल पे होता है, फिर इसके बाद जो फ्रेनिक नर्व होती है वो डिसेंडिंग कोर्स लेते हुए आती है डायफ्राम, फिर डायफ्राम जैसे जैसे नीचे जाता है इसी तरह नर्व्स भी नीचे जाती रहती है और उनकी लेंथनिंग हो जाती है। 8th वीक में क्या होगा, डायफ्राम L1 वर्टिब्रा के लेवल पे होगा और T3 सोमाइट किस लेवल पे था, जब एम्ब्रियो की डोर्सल बॉडी की लेंथनिंग होती थी, डायफ्राम L1 वर्टिब्रा पे था, फिर फ्रेनिक नर्व होगी, सर्वाइकल सेगमेंट से निकलती है, सर्वाइकल प्लेक्सिस है तो उसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर, और ये एंटर होगी डायफ्राम में बाईपासिंग थ्रू द प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, सॉरी प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन ने क्या बनाना है आगे, फाइब्रस पेरिकार्डियम, विच एक्सप्लेन्स व्हाई फ्रेनिक नर्व लाइज ऑन फाइब्रस पेरिकार्डियम, क्योंकि फ्रेनिक नर्व प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से होते हुए आ रही है और प्लूरो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन ने क्या बनाना है एडल्ट में, फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो फ्रेनिक नर्व फाइब्रस पेरिकार्डियम के ऊपर पड़ी हुई होती है, ठीक हो गया। इस तरह फाइनल ये
डायफ्राम की डेवलपमेंट होती है, इसकी पोजिशनल चेंजेस और इनर्वेशन को भी हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को यहाँ से देख लेते हैं जो लैंगमैन के आते हैं एग्जाम के अंदर। पहला है न्यू बॉर्न इन्फेंट कैन नॉट ब्रीथ एंड सून डाइज, ऑटोप्सी रिवील्स अ लार्ज डायफ्रामेटिक डिफेक्ट है, कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया की बात करें वो भी लेफ्ट साइड के ऊपर जिसमें स्टोमक और इंटेस्टाइन ऑक्यूपाई करें लेफ्ट साइड, लंग्स की हाइपोप्लेजिया क्योंकि हमने कहा था कि जो कंप्रेशन होगी लंग्स की। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस फॉर दिस डिफेक्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या होगा इसका देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 7 है। तो फिर इसके कहते हैं दो मैकेनिज्म होते हैं जो उसको समझा रहे हैं। पहला है कि जो इसोफेगल रीजन है फॉरगट की उसकी लेंथनिंग होनी चाहिए, अगर उसकी लेंथनिंग नहीं होती तो फिर स्टोमक को वो पुल कर लेगा एबडोमन के अंदर, फिर स्टोमक अगर थोरेक्स में आ गया सॉरी स्टोमक पुल करेगा थोरेक्स के अंदर एबडोमन से थोरेक्स के अंदर, और अगर स्टोमक थोरेक्स के अंदर आ गया तो वो लंग्स कंप्रेस करेगा। दूसरा जो मसल टिश्यू है वो लेफ्ट प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, लेफ्ट प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर माइग्रेट नहीं करें, जब माइग्रेट नहीं किया तो फिर यहाँ पे वीक एरिया देखने को मिलेगा, जब वीक एरिया होगा तो फिर स्टोमक की और इंटेस्टाइन की हर्निएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगी। जो सेकंड मैकेनिज्म है वो ज़्यादा कॉमन है फर्स्ट मैकेनिज्म क्या था, इसोफेगल रीजन की ग्रोथ होना, और सेकंड मैकेनिज्म था मसल टिश्यू की पॉपुलेशन होना। अब हाइपोप्लीजिया क्यों होगा, क्योंकि लंग्स से कंप्रेशन होगी जिसकी वजह से फीटस की डेथ हो जाएगी। दूसरा है अ चाइल्ड इज बोर्न विद अ लार्ज डिफेक्ट लैटरल टू द अम्बिलिकस, ठीक है अम्बिलिकस से लैटरल हमने आपको कहा था राइट साइड ऑफ द अम्बिलिकस में होगा, मिड लाइन में होगा तो उसको बोलेंगे कंजेनिटल एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ठीक हो गया कंजेनिटल एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे, मोस्ट ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल बोवेल प्रोट्रूड थ्रू द डिफेक्ट नॉट कवर्ड बाई एमनियो, एमनियो से अगर कवर नहीं होते तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोशाइसिस। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस, वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट होगा एब्डोमेन में, तो डिफेक्ट है गैस्ट्रोशाइसिस बिकॉज वीकनेस ऑफ बॉडी वॉल कास्ट बाय एब्डोमिनल क्लोयर ऑफ वेंट्रल बॉडी वॉल, ये बोवेल एमनियो से कवर नहीं है जिसकी वजह से नेक्रोटिक हो जाएगा क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड क्रॉस होता है, इसके साथ साथ ट्विस्टिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से वाल्वुलस हो जाएगा, वाल्वुलस से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी। अब जो गैस्ट्रोशाइसिस है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के साथ प्रेजेंट नहीं करता लेकिन ओम्फैलोसिस प्रेजेंट करता है, इसमें 15% में ही मालफॉर्मेशन होती है, इसमें ज़्यादा मालफॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया, और इसमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा अच्छा होता है, ओम्फैलोसिस में सर्वाइवल रेट ज़्यादा अच्छा नहीं होता। एक्सप्लेन वाई द प्रैनिक टर्न विद सप्लाई मोटर एंड सेंसरी फाइबर टू द डायफ्राम ओरिजिनल फ्रॉम सर्वाइकल व्हेन मोस्ट ऑफ द डायफ्राम इज इन थोरैक्स स्पेसिफिकली T3 somite। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था डायफ्राम की डेवलपमेंट उसी जगह से स्टार्ट होती है C3, C4, C5 somites से, उसके साथ साथ जो मसल होते हैं टिश्यू या मायोब्लास्ट वो भी इसी सेगमेंट से निकलते हैं, मसल भी यहीं से निकले, डायफ्राम ने भी यहीं से किया जिसकी वजह से फ्रेनिक नर्व भी इन्हीं सेम सेगमेंट से निकलती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अब हम इसके देख लेते हैं 8.1, एक न्यू डेट के सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है क्योंकि लंग्स की कंप्रेशन है, एब्डोमेन ज़्यादा फ्लैट हो गया है, इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम लेफ्ट साइड ऑफ थोरेक्स में देखने को मिल रही है, तो फिर डिफेक्ट क्या होगा, तो डिफेक्ट होगा डायफ्रामेटिक हर्निया, हर्निएशन देखने को मिल रही है, इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ से। तो ये आठवां है, आठवीं फर्स्ट है, ठीक हो गया। तो डायग्नोसिस क्या होगा, कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, और इसमें लेफ्ट साइड पे होगा स्पेसिफिकली जो होगा लेफ्ट जो होती है लेफ्ट पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल, उसको क्लोज करना चाहिए क्योंकि सेप्टम ट्रांसवर्स सिस्टम तो नॉर्मली क्लोज करता है लेकिन ये दो किनाल्स होती है ये थोरैक्स को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ती है, हर्निएशन होगी एब्डोमिनल ऑर्गन की, लंग्स की कंप्रेशन होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। आगे एन अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ इन्फेंट थोरैक्स रिवील्ड इंटेस्टाइन इन पेरिकार्डियल सैक व्हिच बर्थ व्हाट बर्थ डिफेक्ट रिजल्ट इन हर्निएशन ऑफ इंटेस्टाइन इन पेरिकार्डियल कैविटी, व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ दिस डिफेक्ट, तो इसको बोलते हैं रिट्रोस्टर्नल हर्निया या पैरास्टर्नल हर्निया, जो भी हमने क्लिनिकल के अंदर देखा था इसमें इंटेस्टाइन पेरिकार्डियल सैक के अंदर आ सकती है या फिर यह हो सकता है कि हार्ट एपिगैस्ट्रिक पार्ट में आ जाए या फिर एपिगैस्ट्रिक पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में आ जाए, ठीक हो गया। इसके बाद है कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया इज डायग्नोस प्री नेटल अल्ट्रासाउंड, हाउ कॉमन इज अ पोस्टो लैटरल डायफ्रामेटिक हर्निया, कहते हैं पोस्टो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से इस क्लिनिकल में काम की बात कुछ भी नहीं है। लास्ट है आवर चाइल्ड इज बॉर्न विद हर्निया इन द मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन में है अम्बिलिकस और ज़िगोट प्रोसेस, तो उसको बोले गए कंजेनिटल एपिगैस्ट्रिक हर्निया और ये कॉमन होता है लेकिन इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या है वो देख लेते हैं। तो गैस्ट्रोशाइसिस एपिगैस्ट्रिक हर्निया ठीक है लेकिन गैस्ट्रोशाइसिस लैटरल होता है लेकिन हर्निया तो ज़्यादा कॉमन नहीं होती। आगे वो कहता है फिर डिफेक्ट क्या होगा, लैटरल बॉडी वॉल फोर फ्यूज़ नहीं कर सके, कहाँ पे फ्यूज़ नहीं कर सके, इन द एब्डोमेन। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।